सो गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे ब्रांड न्यू BMW G310 GS अपने लिए घर ले जा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 34,000 रुपीस की डाउन पेमेंट करके। बिलीव मी, बहुत ही बढ़िया बाइक है, शानदार परफॉर्मेंस है इस बाइक की, एंड ऑफ रोड फन के लिए काफ़ी अच्छी बाइक है। टूरिंग के लिए स्पेशली मैं ये बाइक बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूँ एंड आप सबको भी रिकमेंड करूँगा। मेरा नाम है संगीत खन्ना, आप देख रहे हैं थ्रॉटल 98। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कितनी आपको डाउन पेमेंट देनी होगी, क्या लोन अमाउंट आपके पास आएगा, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको लगेगा लोन पे, और पर मंथ की EMI कितने रुपए की आएगी अगर आपको ये बाइक खरीदनी है ब्रांड न्यू शोरूम के अंदर से। शुरुआत करते हैं ऑन रोड प्राइस के साथ। BMW G310 GS की अगर ऑन रोड की प्राइस की बात करी जाए तो लगभग 3,42,000 रुपए की इसकी ऑन रोड प्राइस है। 3,42,000 रुपीज इज द ऑन रोड प्राइस ऑफ दिस अमेजिंग बाइक। अगर हम 20% का डाउन पेमेंट दें, लगभग 68,000 रुपीज अगर डाउन पेमेंट दें, तो हमारे पास लोन अमाउंट बच के आएगा लगभग 2,74,000 रुपीज का। उस लोन अमाउंट पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगी, लगभग 8% पर एनम की रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगी। तो अगर हम 3 साल का लोन लेते हैं, मतलब 36 मंथ्स का लोन लेते हैं, तो जो पर मंथ की EMI आएगी हमारे पास वो आएगी 8,586 रुपीज। और सब कुछ सेम रख के हम सिर्फ EMI का जो लोन का टेन्योर है वो बढ़ा दे, तो जो आपकी 4 ईयर्स की जो EMI आएगी, 4 साल का जब आप लोन ले रहे हैं, तो पर मंथ जो आपकी EMI आएगी वो आएगी 6,689 रुपीज। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, तो लगभग 30,000 से 40,000 रुपीज़ की आपकी सैलरी होनी चाहिए पर मंथ की, और जो आपका सिबिल स्कोर है वो काफ़ी डिसेंट होना चाहिए, तो आपको आराम से ये बाइक पर आराम से लोन मिल जाएगा और ये क्राइटेरिया फुलफिल कर सकते हैं। अगर आपको मिनिमम डाउन पेमेंट सिर्फ 34,000 रुपीज़ की करनी है, तो आपकी सैलरी लगभग 40,000 प्लस होनी चाहिए, आपका सिबिल स्कोर काफ़ी अच्छा होना चाहिए, तो आप मिनिमम डाउन पेमेंट 34,000 रुपीज़ करके ये शानदार बाइक अपने लिए घर ले जा सकते हैं। दिस इज़ द BMW G310 GS। 313 cc का इंजन आता है इस बाइक के अंदर। 33.5 ब्रेक हॉर्स पावर पंप आउट करता है, 28 Nm टॉर्क पंप आउट करता है, 11 लीटर्स का फ्यूल टैंक आता है इस बाइक के अंदर, लगभग 143 किलोमीटर्स पर आवर की इस बाइक की टॉप स्पीड है, 28 से 30 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देती है ये बाइक, और बाइक काफ़ी बढ़िया है, साथ में BMW का आपको लोगो देखने को मिलता है। दिस इज़ रियली अमेजिंग। काफ़ी सारे लोग सिर्फ इस लोगो के लिए इस बाइक को खरीदते हैं, लेकिन ये इस बाइक को चला के आपको जो मज़ा आएगा वो अनबिलीवेबल है, बिकॉज दिस बाइक इज़ रियली वेरी कम्फर्टेबल। बहुत ही कम बाइक्स हैं जो इतनी ज़्यादा कम्फर्टेबल होती हैं, एंड दिस इज़ अ वेरी कम्फर्टेबल टूरिंग बाइक। सीट इज़ सुपर डुपर कम्फर्टेबल, बट इस बाइक की सिर्फ एक ही ख़राब बात लगती है मुझे कि यार हायर रेव्स पे वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा है इस बाइक के अंदर, आपको फील होगा। ब्रेक्स इसके काफ़ी बढ़िया है बाइक के अंदर, एंड इसकी सर्विस कॉस्ट थोड़ी सी आपको एक्सपेंसिव पड़ सकती है, बिकॉज आफ्टर ऑल इट इज़ अ BMW बाइक। सीट हाइट इसकी है 835 मिलीमीटर की सीट हाइट है, तो लगभग जो 5 फिट 6 इंच के ऊपर के लोग हैं वो आराम से इस बाइक को चला पाएंगे। उनसे जो छोटे लोग हैं हाइट में, उनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, बिकॉज दिस इज़ अ टूरिंग बाइक, थोड़ी सी ज़्यादा टॉल होती है बाइक, और उसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत बढ़िया है। सस्पेंशन सिस्टम इज़ रियली नाइस, सस्पेंशन सिस्टम सॉफ्टर साइड पे है, काफ़ी अच्छा सस्पेंशन सिस्टम है, एंड टायर्स आर रियली नाइस, काफ़ी बढ़िया आपको ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता है। ब्रेक्स आर ऑसम ऑन दिस बाइक, एंड पावर जो है वो बहुत ही खतरनाक नहीं है, काफ़ी डिसेंट पावर है, एक्सेलरेशन काफ़ी अच्छा है, कंप्लीट LED हेडलाइट क्लस्टर देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है, काफ़ी बढ़िया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देता है, एंड बाइक इज़ रियली नाइस। काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है इस बाइक के अंदर, सो आप अपने लिए एक टूरिंग बाइक देख रहे हैं स्पेशली BMW की, ये बाइक डेफिनेटली आप ले सकते हैं। दिस इज द BMW G310 GS। आई विल रियली रिकमेंड दिस बाइक टू ऑल द पीपल हु आर लुकिंग फॉर अ ग्रेट टूरिंग बाइक। काफ़ी अच्छी पोटेंशियल है इस बाइक के अंदर, एंड काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस है इस बाइक का अगर टूरिंग के मामले में बात करी जाए। सो गाइज, आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कौन सी बाइक सबसे बेहतरीन लगती है टूरिंग कैटेगरी में अगर बात करी जाए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, नीचे प्यारा सा लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको तोड़ फोड़ जो करने का जब जाना चाहिए। साथ में इंस्टाग्राम पर मुझे आप जरूर फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, टिल देन बाय बाय।